पूरी कहानी सुने। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। और भी ऐसी कहानियाँ मैं सुनाती रहूं। कहानी है ईरान के तेहरान शहर में, जहाँ अब सर्दी शुरू होने वाली है। 17 साल का एक छैल छबीला लड़का लतीफ बाजार रोटियां लेने आया है। उसके बाद वो राशन का सामान लेने पहुंचा। दुकान पे उसका आईडी कार्ड जमा है जो बताता है कि वो इसी देश का नागरिक है। आईडी कार्ड मेमार नाम के आदमी के अधीन वहां जमा है क्योंकि लतीफ उसके लिए काम करता है। मेमार एक बिल्डिंग में मजदूरों का कॉन्ट्रैक्टर है। अब सारा सामान कंधे पे बांध लतीफ वापस जाने को निकला। पहुंचते ही उसने देखा वहां काम करने वाले लोगों की भीड़ किसी को उठाकर ले जा रही है। वो नजाफ है। काम करते वक्त गिर जाने से उसकी टांग टूट गई। उसे ट्रक में डाल मेमार ने सुल्तान को साथ भेजा और बोला, अस्पताल में किसी को मत बताना कि ये यहाँ काम करता है। दरअसल मेमार अफगानिस्तान मजदूरों को भी काम देता है, जो कि गैर कानूनी है क्योंकि सोवियत रूस का अफगानिस्तान पे 1 दशक से ज्यादा शोषण और उसके बाद तालिबान के लगातार उपद्रव ने देश को बर्बाद कर दिया है। लोगों के पास दूसरे मुल्कों में आश्रय लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मेमार इन लोगों को सर पे छत और रोजगार देता है, उन्हें बाकी ईरान देश के लोगों में छुपा कर रखता है, मगर पुलिस के यहाँ लगातार छापे पड़ते रहते हैं। आज शाम लतीफ मेमार से अपने 1 साल का बकाया पगार मांगने गया। वो यहाँ सबसे छोटा है, इसीलिए उसे छोटे मोटे काम जैसे चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, इन सब के लिए रखा गया है। मेमार ने उसे बहला फुसला कर कहा, अभी तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, और उसे कुछ रुपए हाथ खर्चे के लिए दे दिए। मेमार ने जरूरत से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखा है, ऊपर से उसे पैसे समय पर नहीं मिलते, इसीलिए पैसों की दिक्कत रहती है। मिले पैसों को लतीफ एक टिन के डब्बे में भरकर छुपा देता। कुछ दिन बाद सुल्तान अपने साथ किसी 14 साल के बच्चे को काम की जगह पर ले आता है। उसने मेमार को बताया, नजाफ कुछ महीनों तक काम पे नहीं आ सकता, उसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा है, मगर बिन माँ के 5-5 बच्चों को पालना, वो भी बिना काम के, बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो नजाफ के बदले बड़े बेटे रहमत को साथ लाया है। सिर्फ 14 साल का है पर काम जल्दी सीख लेगा, जब तक कि नजाफ काम पे वापस नहीं आ जाता। दयालु स्वभाव का मेमार ने उसे काम पर रख लिया। लतीफ एक अलहड़ सा लड़का है, एकदम मस्त मौला सा, इसी वजह से आए दिन उसकी किसी न किसी मजदूर से तू तू मैं हो जाती और हर बार मेमार को बीच में पड़कर उसे सुलझाना पड़ता। उसी दिन पुलिस ने उनके यहाँ छापा मारा। उन्हें पता चला है कि यहाँ का कोई अफगानी मजदूर टांग टूटने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था। तुरंत सभी मजदूर अपने अपने ठिकाने में छुप गए। पुलिस ने मेमार से कहा, तुम्हें मालूम है ना गैर कानूनी तरीके से अफगानी मजदूर रखने का क्या अंजाम होता है। किसी तरह मेमार ने वो बात रफा दफा की। इस काम में पकड़े जाने का खतरा तो रहता ही है। अब यहाँ सुल्तान चचा के साथ रहमत रोज काम पर आने लगा, मगर उसका उम्र और कद इस बदन का जोर लगाने वाले काम के लिए बहुत नाजुक है। फिर भी सुल्तान चचा कई दफा उसकी गलतियों पे पर्दा डालकर उसे बचा लेते। एक दिन सीमेंट का बोरा 5वें मंजिल ढोकर ले जाते हुए बोरा पीठ से खिसक गया और नीचे जा रहे फराज के ऊपर आ गिरा। फराज भूत की तरह सफेद हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, किसने कहा था एक छोटे से बच्चे को काम पे रखने के लिए, ये काम इसकी बस की बात नहीं। ऊपर से उसे भूत बना देख लतीफ ने उसका मजाक उड़ा दिया। फराज और आग बबूला हो गया, दोनों में फिर हाथापाई हो गई। मेमार को बीच में आकर उन्हें रोकना पड़ा। इस बार पानी सर से ऊपर जा चुका है। एक तो वैसे ही इतने कम खर्चे में इतने लोगों को रखना, उस पर से रोज रोज की ये लड़ाइयाँ, ऊपर से सामान का नुकसान। मेमार ने सुल्तान को उसे यहाँ से ले जाने को कहा। फिर थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ, दोनों को बुलाया। उसने लतीफ से कहा, बहुत छोटे से यहाँ काम कर रहे हो, मगर अब धीरे धीरे मजदूरी का काम सीखना होगा जैसे सब करते हैं। और रहमत को कहा, अब से तुम लतीफ की जगह चाय, नाश्ता, बर्तन, खाना, किराने की दुकान से सामान लाना, ये सब करना होगा। उसने उसके पिता नजाफ का ख्याल कर उसे नहीं निकाला। अब अगले कुछ दिन लतीफ रहमत को यहाँ के रसोई संभालने का काम सिखाएगा। लतीफ रहमत से बहुत नाराज है। उसके आने के बाद ही उसके आराम की खेलने कूदने की जिंदगी खत्म हो गई। अब उसे मजदूरी करनी होगी। उसने रहमत को एक थप्पड़ मारा, तुम अफगानी मेरी नौकरी छीनना चाहते हो, वापस अपने मुल्क क्यों नहीं लौट जाते। रहमत बेचारा खामोश खड़ा है। जब से रहमत को रसोई संभालने के लिए दी गई है, सबने देखा कि चाय और नाश्ते में जायका तो बढ़ ही गया है, ऊपर से साफ बर्तन में भी खाने को मिलता है। लतीफ तो जैसे तैसे बस काम चलाता था। सभी रहमत से खुश है
और ये सब देखकर लतीफ को उससे और जलन होने लगी। एक दिन मौका पाकर लतीफ ने किसी को रसोई के आसपास न देख अंदर गया और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, कुछ तोड़ दिए। सब बिगाड़ कर जब वो बाहर निकला, वहां रहमत खड़ा है। बेचारे रहमत ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उसने अकेले ही पूरी रसोई की साफ सफाई एक एक चीज धोकर सच सवार कर जगह पर रखी, पानी भरा, खाना बनाया। देखते ही देखते रसोई की शक्ल ही बदल गई। लतीफ उसे चुपके से सब करते हुए देख रहा है। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा, अगले दिन उसे आता देख ऊपर से चूने का पानी गिरा दिया और ऐसा भोला बनकर काम करने लगा जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। आज तो लगता है उसका बाकी दिनों से ज्यादा ही मन लग रहा है। अब जब वो सीमेंट की बोरी लेने नीचे आया, रसोई घर का पर्दा हवा में उड़ने लगा। अंदर रहमत है सोचकर जब उसने झांका, उसके होश उड़ गए देखकर कि रहमत एक लड़की है। नजाफ की कोई बेटी नहीं, 5 बेटियां हैं और रहमत उनमें से सबसे बड़ी है। घर कैसे चलेगा यही सोचकर वो यहाँ लड़का बनकर काम कर रही है। इस बारे में सिर्फ सुल्तान चाचा को मालूम है। इधर लतीफ तो दंग है। उसे लंबे काले बालों को कंघी करते हुए देख सुबह से जो वो इतना खुश था, उसे परेशान करके अब उसे बुरा लगने लगा। रहमत का असली नाम बारन है। वो कितनी जरूरतमंद होगी जो इस तरह यहाँ इतने मर्दों के बीच काम कर रही है। उस दिन के बाद से लतीफ का नजरिया उसके लिए बदल गया और उसके खुद के अंदर भी बहुत बदलाव आए। अब तो उसे आते जाते बारन का ख्याल रहने लगा। ये लतीफ अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन बाल बनाकर तैयार हो जाता। उसकी नजरें हर घड़ी बारन को ढूंढा करती। थोड़ी देर के लिए वो नजर न आए तो तुरंत नीचे रसोई की तरफ दौड़ पड़ता। कोई बारन से बदतमीजी करे तो उससे भिड़ जाता। पहले तो जहां लतीफ मौजूद होता वहीं किसी से लड़ पड़ता, और अब जहां बारन वहां लतीफ दूसरों से लड़ते हुए नजर आता। बारन जितना इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करती, उतना लतीफ दूसरे से लड़कर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। वो रोज एक ही लाल कमीज पहनता कि कभी तो बारन उसे देखे। शाम होते होते धूल मिट्टी गिरकर वो लाल से भूरी हो जाती। वो किसी को भी रसोई घर में बैठकर अड्डा मारने नहीं देता ताकि वो उसे परेशान ना कर सके। ये बातें बारन से भी अनदेखी नहीं है। एक दिन जब लतीफ काम में व्यस्त है, उसके हिस्से की चाय और मिश्री बारन ने अलग से रख दी। इस बात ने लतीफ का दिल बाग बाग कर दिया। रात में सबसे कटकर वो अपने ख्यालों में गुम है। क्या लगता है आपको, इस पागल अलहड़ से लड़के को भी प्यार हो सकता है? एक दिन किराने का सामान लेकर आते हुए बारन को पुलिस की गाड़ी दिखी। जैसे ही पुलिस उसकी तरफ पड़ी, वो वहां से भागने लगी। वो एक अफगान है, पकड़ी गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर उसकी बहनें और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? अब पुलिस पीछे पीछे और बारन आगे आगे। हालत ऐसी हो गई कि अब पकड़ में आए कि तभी लतीफ ने कहीं से उसे भागते हुए देख लिया। उसने पीछे से आकर पुलिस को पकड़ा और बारन को वहां से भागने को कहा। बारन थोड़ी दूर जाकर छुपकर देखने लगी। लतीफ को पुलिस वालों ने मिलकर बहुत मारा और थाने ले गए। बेचारी बारन कुछ ना कर सकी। मेमार को काफी हर्जाना देकर लतीफ को थाने से वापस लाना पड़ा। अब पुलिस की सख्ती बहुत बढ़ गई है। उनके काम करने वाली जगह पर पुलिस की पैनी नजर है। इस तरह अफगानी लोगों को काम पे रखना नामुमकिन हो गया है। पकड़ा गया तो मेमार के काम करने का लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। सारे अफगानी वहां से चले गए। अब ना सुल्तान चाचा आते हैं और ना ही बारन। धीरे धीरे बर्फ ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। इस सर्दी में सिर्फ बारन का ख्याल ही लतीफ को गर्माहट दे सकता है। जब इंतजार हद से बाहर होने लगा, उसने बारन के गांव जाने का मन बना लिया। उसने एक दफा सुल्तान चाचा के मुंह से उनके गांव का नाम सुना था। मेमार से बहन की बीमारी का बहाना बनाकर 4 दिन की छुट्टी लेकर वो एक अनजान जगह पहुंचा, किसी जाने पहचानने को ढूंढने। उसके गांव पहुंचकर वो हर किसी से नजफ का घर का पता पूछने लगा, मगर लगता है वो गलत जगह पहुंचा है। शाम होने को आई है। उसके जूते के दरारों से पानी सीप कर अंदर जा रहा है। वो एक उम्रदार आदमी के पास उन्हें सिलवाने रुका। मालूम नहीं क्यों, शायद लतीफ की आंखों की बेताबी देख उस बुजुर्ग के मुंह से निकल गया। प्यार रेगिस्तान में नंगे पांव चलने जैसा होता है। आंखें महबूब के दीदार को ऐसे तरसती है जैसे प्यासे को पानी। अब आगे चलते हुए उसे कुछ और लोग मिले। सुबह से भूखा प्यासा वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसी भीड़ में कोई हरा शॉल सर पे लिए प्यारी सी आंखों ने उसे पहचान लिया। वो बारन है। लतीफ को वहां देख वो चौंक गई पर सामने नहीं आई।
वो तो जानती ही नहीं कि लतीफ को उसकी असलियत मालूम है। उसने सोचा होगा कि अब सामने आने से क्या फायदा। उस रात एक सस्ते से जगह गुजार वो अगले दिन अपने शहर तेहरान के लिए निकल पड़ा। सड़क पर लतीफ की नजर सुल्तान चाचा पे पड़ी। वो तुरंत बस से उतरकर दौड़ा। वो इसी शहर में किसी और जगह भी काम करते हैं। इतने दिनों बाद लतीफ को देखकर वो खुश हुए। थोड़ा हालचाल पूछने के बाद लतीफ ने रहमत यानी बारन का जिक्र किया। वो अभी किसी फलाने जगह पे नदी से पत्थर ढोने का काम करता है, उन्होंने कहा। सुल्तान से अलविदा ले लतीफ वापस उस जगह गया। जमा देने वाले ठंडे पानी में लोग नदी से पत्थर उठाकर किनारे पर रख रहे हैं। वही बारन भी है। बर्फीले पानी में सुन्न हो चुके हाथों से पत्थर तो यूं ही छूट जाते हैं, पर काम तो करना होगा, नहीं तो घर पे चूल्हा कैसे चलेगा। लतीफ से बारन की ये हालत देखी नहीं गई। वो वापस आकर काफी देर तक बैठे बैठे सोचता रहा। फिर उसने मेमार से कहा, मैं घर से आ रहा हूँ, मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे मेरे साल भर के जमा हुए पैसे दे दो। इतनी बड़ी रकम निकालना मेमार के लिए भी मुंह की बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में उसने जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त कर दिया। लतीफ वो रकम लेकर सुल्तान चचा के पास पहुंचा। बोला, नजफ की टांग टूटे काफी दिन हो गए हैं, वो काम पे नहीं जा सकता। मेरे इन पैसों की फिलहाल मेरे से ज्यादा नजफ को जरूरत है, आप उसे मेरी तरफ से दे दे। सुल्तान बोला, तुम खुद क्यों नहीं दे आते। लतीफ ने कहा, मुझे शर्म आती है, आप ही आज ये पैसे दे देना। मैं कल आपका गांव के बाहर मजार के पीछे इंतजार करूंगा, फिर हम साथ नजाफ के पास चलेंगे। अगले दिन सुबह से दोपहर हो गई, सुल्तान का कोई अता पता नहीं। तभी अचानक कहीं से नजाफ खुद वहां आ पहुंचा। तुम सुल्तान का इंतजार कर रहे हो ना, वो पिछली रात मेरे घर आया था, उसे किसी ने पैसे दिए थे जो वो मुझे देना चाहता था, मगर मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझसे ज्यादा सुल्तान को इन पैसों की जरूरत है। वहाँ अफगानिस्तान में उसकी बीवी सालों से बीमार है, ना ही वो इतने सालों में उसका इलाज करा सका, ना ही उसके पास इतने पैसे हुए कि वापस उसके पास जा सके। कल किसी फरिश्ते ने उसकी मदद कर दी और वो आज सुबह ही अफगानिस्तान के लिए निकल गया। उसने तुम्हारे लिए ये पर्चा छोड़ा है। लंगड़ाते नजाफ को उसके घर छोड़ जब उसने सुल्तान का दिया पर्चा खोला, उसमें लिखा है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, एक दिन तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। लतीफ अब क्या कर सकता है। वो वापस आ गया और अपने टिन के डिब्बे में छुपाए पैसों से नजाफ के लिए एक बैसाखी खरीदी। जब वो उसे चुपके से उसके घर में रखने गया, उसने नजाफ को किसी से कहते सुना, अफगानिस्तान में भाई का इंतकाल हो चुका है, उसके परिवार और बच्चे बेसहारा हो गए हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि उनकी मदद कर सकूं। बेचारी मेरी बेटी बारन दिन रात पत्थर पर एड़िया रगड़ कर दो वक्त का खाना जुटा कर लाती है। लतीफ से ये सब सुना नहीं गया। नदी किनारे उसने छुपकर बारन को इतनी तकलीफ में काम करता देख रोता रहा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन लतीफ यूं ही बैठे बैठे सोच रहा था कि उसने दूसरे नजाफ को आते हुए देखा। वो मेमार से मिलने आया है। लतीफ छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। नजाफ को पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो वो इतनी दूर यहाँ नहीं आता, पर मेमार इस वक्त बेबस है, उसके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं है। नजाफ को ना उम्मीद होकर वहां से लौटना पड़ा। इस बात ने लतीफ को और बेचैन कर दिया। वो किसी भी तरह उनकी मदद करना चाहता है। अब एक ही रास्ता रह गया उसके पास। वो काले बाजार पहुंचा। अपना ईरानी नागरिकता का पहचान पत्र उसने बेच दिया, जिसके दो नंबरी बाजार में बहुत मांग है। उसके अच्छे खासे पैसे मिल गए और वो नजाफ के दरवाजे पर जा पहुंचा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे का कुंडी खटखटाया और जिसकी उम्मीद नहीं थी उसे बारन ने दरवाजा खोला। लतीफ को वहां देख उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा आधा केवाड़ खोलकर पूछा, क्या चाहिए। अपना दिल थामे लतीफ ने गला साफ करते हुए कहा, तुम्हारे अब्बू है। थोड़ी देर बाद नजाफ आया और उसे अंदर आने को कहा। लतीफ बोला, मुझे मेमार ने ये रकम देकर भेजा है। नजाफ ने वो पैसे हाथ में लेकर एक राहत की सांस ली। मेमार को दुआएं थी, उससे कहना मैं अफगानिस्तान से वापस आकर उसके दिए पाई पाई लौटा दूंगा, नजाफ बोला। लतीफ की तो होश उड़ गए। कब जा रहे हैं। कल सुबह गाड़ी से सरहद पार कर निकल जाएंगे। ये सुनकर लतीफ और दो पैरों में खड़ा ना रह सका और वहां से भाग गया। गांव के बाहर रुककर जब सांस भरी तो खुद को कब्रिस्तान के सामने खड़ा पाया। उसने वहां मुंह हाथ धोया, फिर उसकी नजर सामने उड़ते पर्दे पर पड़ी और उसे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार रहमत को लड़की के रूप में देखा था। सुबह हो गई, पता नहीं रात शायद वही गुजारी होगी उसने। वो नजाफ की मदद को आ पहुंचा। उनके सामान गाड़ी में लाद रहा है
इस इंतजार में कि एक बार उसे देख ले, इसके बाद तो शायद इस जन्म में मुलाकात मुमकिन ना हो। दरवाजा बंद कर बारन एक भारी थैला उठाए निकली। ज्यादा वजन से वो थैली हाथ से छूट गई। वही खड़ा लतीफ दौड़ कर आया। वो सामान एक एक कर उठाने लगा जिससे समय थोड़ा और मिल सके। बारन ने नजर उठाकर लतीफ को देखा। उसे मालूम है कि उसने बहुत कुछ किया है उसके लिए। लतीफ की नजर ने उसकी नजर को छुआ। वो थोड़ा शर्माई और लतीफ को आंख भर देख बुरखा नीचे कर लिया। जाते वक्त उसका जूता भी कीचड़ में धस गया। ऐसा लग रहा है ये समा उनके मन की बातें समझ रहा है। लतीफ के हाथ से जूता पहन वो अपने भाई बहनों के साथ गाड़ी के पीछे बैठ गई और बुरखे की जाली से दूर तक उसे देखती रही। इसी के साथ कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।